चलिए दोस्तों, हम लोग ढेंकी कूटने आ गए हैं और इधर उरीद को कूट लिए हैं। वो देखिए वहाँ पर है कटोरी पे, और अभी झुनगा कूट रहे हैं। देखिए ये हम लोगों को गांव वाला ढेंकी, ये देखिए राम राम दोस्तों। डूला सी जी ब्लॉक में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज सुबह का 9:30 बज रहा है और इधर देखिए हम लोग आराम कर रहे हैं। इसको जोताई कर रहे थे, वो वाला को ये वाला को कल करेंगे, क्योंकि आज उपवास है ना, तो थोड़ा थकावट हो रहा है। और घास को निकालते जा रहे हैं, डोगरी से उठे उठे के ना के काई तो होता है उठ गए डोगरी नहीं जाने लाई नको जानी जानते की चलिए दोस्तों। अभी हम लोग का ट्रैक्टर का खड़े किए हैं, तेल खत्म हो गया है तो तेल लेने गया है। तेल लाएगा फिर इसको जोतेंगे, ये वाला को। इसमें मूंगफली लगाएंगे दोस्तों, और ये पीछे है जोताई नहीं किए हैं, इसमें ही मूंगफली रहेगा। और जो उधर उधर वाला बड़ा है उसमें आलू लगाएंगे, तो आलू को चल बेटा तो चलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एकादशी उपवास है, कार्तिक का एकादशी है। तो आज हम लोगों के गांव तरफ ऐसे एक कोशियार है, देखिए इसी कोशियार का पूजा करेंगे आज। तो आप लोगों को ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा, तो ब्लॉग्स में बने रहिएगा। इतना बड़ा बड़ा नहीं हुआ, ये छोटा छोटा है, बड़ा वाला उधर है। तो चलते हैं दोस्तों, और ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको देखने को मिलेगा हम लोगों के गांव तरफ कोशियार का पूजा करते हैं आज ही के दिन। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग तो घर आ गए हैं, नहा भी लिए हैं और अभी जाएंगे। ये देखिए ये है झुनगा, ये टिकरा वाला झुनगा है जो लगाए हैं, वो वाला। तो इसका अभी पीठा बनाएंगे, उसके बाद रोटी बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। और ये है उरीद, इसको भी कूटेंगे और इसका बनाएंगे बड़ा। चलते हैं दोस्तों, और आज उपवास है हम लोगों का, और इसका उपवास नहीं है, ये खाना उना खा लिया है। और रात को कहाँ गया था? मैं कहाँ जा रही हूँ? ये रात को कीर्तन करने गया था दोस्तों, पूर्वा को कार्तिकेश्वर बैठाए हैं, तो ये लीला कीर्तन करने गया था, अभी ढेप रहा है गांव में। और हम लोग यहाँ पे पूजा करेंगे, कोशियार काटेंगे। हम लोग कोशियार बोलते हैं, गन्ना बोलते हैं उसको। तो चलिए अब चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग ढेंकी कूटने आ गए हैं
और इधर उरीद को कूट लिए हैं, वो देखिए वहाँ पर है कटोरी पे, और अभी झुनगा कूट रहे हैं, देखिए ये हम लोगों का गांव वाला ढेकी, ये देखिए चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा बाकी है, वो देखिए झुहा में है छोटा वाला झुहा, झुनगा है थोड़ा सा बाकी है, उसके बाद चलेंगे घर। और अभी दूसरा ढेकी आए हैं, देखिए निकाल रहे हैं, हो गए है अभी वाला डालेंगे, चलिए कूटते हैं। इसका पूछ के लिए बनाएंगे, तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग बना रहे हैं, देखिए शक्कर का चाशनी, इसको भूज के लिए बनाएंगे झुनगा वाला, तो आपको जला लेते हैं। फिर इसको जो मैनी निकलता है उसको थोड़ी इसी में फूकेंगे, और धो देते हैं लकड़ी। और इधर संतोषी बना रही है बड़ा, ये देखिए ये बड़ा बना रही है, और एक चूल्हा में मैं चाशनी बना रहा हूँ, देखिए हम लोगों का बड़ा। और इधर है पीठा उरीद वाला, उसको पीठा बोलते हैं, पीठी बोलते हैं, पीठा चावल का बोलते हैं, इसको पीठी बोलते हैं। ये देखिए हम लोगों का बड़ा, तो देखिए दोस्तों हम लोग अभी भूज के लिए चालू कर दिए हैं, ये देखिए और थोड़ा सा ये उरीद वाला बड़ा बाकी है बनाने को, बाद में बनाएगी। और उधर चाशनी तैयार कर दिया हूँ वो कढ़ाई में, और अभी भूज के लिए बना रही है, देख के खाने को मन कर रहा है, खाने को मन कर रहा है
चलिए दोस्तों अब बनाते हैं जल्दी जल्दी, फिर पूजा पाठ करेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग तो बना रहे हैं भूज के लिए झुंगा वाला। ये देखिए ये चाशनी है, चाशनी में डुबाए हैं। ये देखिए कैसा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। ये है भूज के लिए और इधर और है। चलिए इसको नाचते हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों इधर का बना था, ये झूठी बना रही है। यहाँ पूजा करेंगे, इधर कुशियार काट लिए हैं देखिए, और बाबू खाने के लिए तैयार है। तो आज ही के दिन दोस्तों हमारे तरफ कुशियार का पूजा करते हैं, उसके बाद कुशियार को खाते हैं, नहीं तो पहले नहीं खाते हैं। तो अभी फिर पूजा करने जाएंगे हमारे बरगद देवता के पास। तो चलिए अब चलेंगे, इसको तैयार कर लेते हैं, चलेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पूजा कर लिए हैं, अभी एक कुशियार है, एक कुशियार को अभी काटेंगे यहाँ से पत्ता को काटेंगे। इधर हेंसुआ है, ये देखिए इसी से काटेंगे। चलिए काट लेते हैं, उधर पूजा कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग तो पूजा पाठ कर लिए हैं और कुछ इस प्रकार के करते हैं। थोड़ा अंधेरा हो गया, अच्छे से कैमरा नहीं, वीडियो नहीं बन पाया, तो थोड़ा अंधेरा हो गया। हमारे बरगद देवता के पूजा करने गए थे तो आते आते अंधेरा हो गया। तो
हम लोग आज कुशियार और एकादशी उपवास रखे हैं, तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। और हमारे डूला सीजी ब्लॉग को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा देना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग्स में, तब तक के लिए राम राम।